मऊगंज जिले में अवैध खनन करने वाले अब निजी भूमि को भी नहीं बख्श रहे हैं और रात दिन अवैध खनन पर उतारू हैं। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा खनिज विभाग रीवा में करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ओमकार नाथ मिश्रा निवासी मऊगंज ने बताया कि उनकी भूमि पर अवैध खनन हो रहा था। उन्होंने बताया कि मेरी भूमि में लाला तिवारी द्वारा अपनी जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई कर लिए, इसी के संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी के पास लिखित शिकायत की गई है। पीड़ित ने बताया कि 25 फरवरी को उन्हें जानकारी मिली कि उनके हिस्से की जमीन पर जेसीबी मशीन से खोदा जा रहा है। मौके पर पहुंचकर देखा कि लाला तिवारी की जेसीबी मशीन से मेरी भूमि को खोदकर मिट्टी ट्रैक्टर में भर रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी पट्टे की भूमि को 5 फीट गहरा खोद दिया गया है, पूरी मिट्टी निकाल ली गई है। इसकी शिकायत थाना मऊगंज में दर्ज कराई गई है। आरोपी पिछले कई दिनों से आवेदक की जमीन से खनन कर रहा था। करीब 200 ट्रैक्टर मिट्टी निकाल चुका है। थाने से कार्रवाई नहीं होने पर अब उन्होंने मामले की शिकायत खनिज विभाग में की है। जी असल में मेरा नाम कमलेश मिश्रा है, मैं मऊगंज का निवासी हूँ। मेरी एक जमीन है कुसड़ी मुतालिक गंज में, करीब वो 1.5 एकड़ जमीन है। आज कई दिन से जो है खनिज माफिया जो है सारी मिट्टी जो उसकी खन लिए हैं। करीब यद्यपि वो सह खाते की जमीन है मेरी, लेकिन जो मेरे 13 डिसमिल जमीन हिस्से की है, कई दिनों से वो लोग जेसीबी मशीन लगा करके कम से कम 200 ट्रैक्टर माटी खन लिए हैं। इसी संबंध में मैं जो है इसकी FIR मऊगंज में पहले कर चुका हूँ और वो जेसीबी भी पकड़ी गई है, कल पकड़ी गई है वो जेसीबी। तो यहाँ मैं जिला जो खनिज अधिकारी मैडम हैं दीप माला जी, इसी संदर्भ में मैंने उनको जो है शिकायत दिया, पत्र दिया है ताकि वो कठोर कार्रवाई करें। ये किनके द्वारा खोदी गई थी? ये कई दिनों से खोद रहे थे तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कौन खोद रहा है। तो परिवार के कुछ लोग मिल करके जो है जानकारी मिली कि आज भी जो है जेसीबी लगी हुई है, तो कम से कम 10-12 लोग गए हैं तो वहाँ पे लाला तिवारी की जेसीबी लगी थी। लाला तिवारी ये ढरनी का निवासी है और जानकारी मिली है कि यही काम करता है, दूसरों की जमीनें की मिट्टी निकाल निकाल के वो पैसे से बेचता है।